क्लास ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 10 यूनिट नंबर 2 द लकी लीव। आज हम अपना मंथ ऑफ जुलाई का वर्कबुक का वर्क करेंगे क्लास, और जिस जिसने कॉपीज नहीं सबमिट करवाई हैं काइंडली सबमिट योर कॉपीज। मेंशन अ डेट एंड डे ऑन दैट पेज, इस पेज पर डेट एंड डे मेंशन कीजिए। टुडे डेट इज 11th August 2020 and the day is Tuesday. Today date is 11th August 2020 and the day is Tuesday. Okay class? Class, इस पेज पर आपको नजर आ रहा होगा heading deliver preposition. ठीक है, preposition हमारी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी thing की position को शो करता है जो हमारे किसी नाउन से रिलेट हो, मतलब किसी नाउन से जो चीज हमारी रिलेट होगी वो उसको उसकी पोजीशन को हमें बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लुक एट द पिक्चर। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पिक्चर देखनी है। उस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, एक ट्री नजर आ रहा है। ठीक है, ट्री नजर आ रहा है, ट्री में मतलब एक गार्डन का ट्री जो है वो सीन कैप्चर हुआ हुआ है। उसमें एक बॉय है, एक गर्ल है जो बेंच पे बैठी हुई बुक पढ़ रही है, एक डॉग है, बहुत सारी चीजें मतलब इसमें नजर आ रही हैं। एक बर्ड का नेस्ट भी बना हुआ है ट्री में। आपने क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन गिवन इन द बॉक्सेस। नीचे जो ब्लैंक्स दी हुई हैं, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है उसके थ्रू जो आपके यहाँ पे बॉक्सेस में दिए हुए हैं। यूज ईच प्रीपोजिशन ओनली वंस। उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये एक प्रीपोजिशन ब्लैंक में जस्ट एक दफा ही आएगा, मतलब कोई भी प्रीपोजिशन किसी दूसरी ब्लैंक में रिपीट नहीं हो सकता। ओके, अब हम यहाँ पे ब्लैंक पढ़ते हैं। ब्लैंक ए क्या है हमारे पास, देयर इज अ बेबी बर्ड डैश इन द नेस्ट। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ हैंड के थ्रू, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बेबी बर्ड नेस्ट में ट्री के अंदर। तो ये क्या है, अंदर है, मींस इन है। तो क्या आएगा यहाँ पर एग्जाम्पल ब्लैंक में, क्या आएगा हमारा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन। There is a baby bird in the nest. क्या आएगा, in, I N in. Fill in your blank. Sorry. I repeat, there is a baby bird in the nest. B देखिए क्लास, there are many leaves dash the branches. कहाँ पर है leaves? Exactly, branches के ऊपर है। लाजमी सी बात है, branches के अंदर ही leaves बने हुए होंगे ना। तो क्या किया हमने यहाँ पर, लिख दिया on. There are many leaves on the branches. O N on. इन भी हमने इसमें से यूज कर लिया, ऑन भी हमने इसमें से यूज कर लिया। अब क्या आया हमारे पास, अब हमारे पास सी है, अ गोट, सॉरी ये मैंने डॉग बोल दिया था, ये गोट है। अ गोट इज डैश द ट्री। गोट कहाँ पर है, अंडर ट्री। गोट जो है वो कब कहाँ पे खड़ी हुई है, ट्री के शेड में खड़ी है, मीन्स अंदर खड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने लिखना है द गोट इज अंडर द ट्री। The goat is under the tree. U-N-D-E-R, under. U-N-D-E-R, under. अब हमारे पास जस्ट थ्री वर्ड्स बचे, एक बिहाइंड, एक नियर एंड द लास्ट वन इज एट द साइट ऑफ। डी देखिए, अ बॉय इज हाइडिंग डैश द बुश। ये ट्री है, फ्रंट चीज ट्री है ना। अब ट्री के पीछे एक बुश है, उस बुश में ये बॉय क्या हुआ हुआ है, छुपा हुआ है। हाइडिंग मीन्स छुपना,
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिहाइंड, पीछे की तरफ, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड. द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द बुश. टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11. ब्लैंक इज द बुश इज नियर द ट्री. बुश कहां पर थी, ट्री के करीब थी. द बुश इज, बुश की पोजीशन कहां थी, ट्री के करीब थी. द बुश इज नियर द ट्री. NEAR, नियर. F लास्ट वाला एट द साइट आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं गर्ल की पोजीशन यहाँ पे क्या बताई गई है. अ गर्ल इज सिटिंग, एक गर्ल बैठी हुई है, डैश द ट्री, एट द साइट ऑफ ट्री, मतलब जहाँ ट्री इरेक्ट आपका स्टैंड हुआ हुआ है, मतलब जहाँ ट्री आपका खड़ा हुआ है उसके साइट में एक बेंच है, उस बेंच पे क्या है, गर्ल बैठी हुई है. अ गर्ल इज सिटिंग एट द साइट ऑफ द ट्री. देखिए क्लास, इसके बाद जो सेकंड आपका पेज है, पेज नंबर 11, उस पेज नंबर 11 पे देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी आर देयर, हाउ मैनी आर देयर, ये यहाँ पर कितने सारे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर नीचे पैसेज पूरा बना हुआ है, यहाँ पर एक पेज बना हुआ है, वो बहुत सारी पिक्चर्स हैं, कुछ काउ की है, कुछ सॉरी कुछ बोट की है, कुछ हैन की है, कुछ रैट की है, कुछ बॉय फेसेस हैं, फिशेज हैं, स्टार्स हैं, लीव्स हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे देखिए, वो तमाम चीजें जो यहाँ पर बनी हुई हैं, वो तमाम थिंग्स जो इस पूरे पिक्टोरियल बैच में मौजूद है, उसको एक एक पीस यहाँ पर आपको मेंशन हुआ है डैशेस के साथ. आपने क्या करना है, इस पिक्चर के अंदर इसकी क्वांटिटी काउंट करनी है और फिर वो नीचे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर स्टार है, आपने यहाँ पे काउंट किया, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star एंड 5 star. इस पूरे पिक्चर में कितने स्टार्स हैं, 5 stars हैं. तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 5 stars. अब हमारी बारी आ गई हेन की. ठीक है, अब किसकी बारी आ गई हमारी, हेन की. जब हमारे पास हेन की बारी आई तो हमने क्या किया, उसको काउंट करना शुरू कर दिया. अब देखें, 1 hen, 2 hen, 3 hen, 4 hen, 5 hen, 6 hen और ये 7 hen हो गई. कितनी hens हो गई हमारे पास, 7 hens हो गई. कितनी hens हो गई, 7 hens हो गई. अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, hen के ब्लैंक में आपने क्या लिख देना है, 7 hens. क्या लिखना है आपको हैन वाली ब्लैंक में, 7 hens. अब हम आ गए फिश पे. ऐसा करते हैं, हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे. अब आ गए हम फिश पे, तो फिशेस देखिए यहाँ पर कितनी बनी हुई है, एक ही फिश है बस, 1 fish, और कहीं पे भी फिश नहीं है. हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 1 fish. नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर. अब हमें क्या देखना है, फ्लावर देखना है. फ्लावर्स हमने काउंट करना शुरू करे, 1 flower, 2 flower, 3 flower, 4 flower, 5 flower, फिर हमने फाइंड किया 6 flowers, 7 flower, 8 flower, 9 flower
और ये लास्ट वन 10 फ्लावर्स. कितने फ्लावर्स हैं हमारे पास? 10 फ्लावर्स हैं. कितने फ्लावर्स हैं? 10 फ्लावर्स हैं हमारे पास. अब हमारे पास बारी आ गई बॉय फेसेस की. ठीक है, बॉय फेसेस की बारी आई. 1 बॉय फेस, 2 बॉय फेस एंड 3 बॉय फेस. 3 बॉय फेस. अब क्या है? कैट. 1 कैट, 2 कैट. नाउ रेड. 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड, 4 रेड, 5 रेड, 6 रेड, 7 रेड और 8 रेड. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे रेड हो गए हमारे पास. कितने रेड है हमारे पास? 1 2 3 ये रहा 9 रेड. इसी तरह अब आपने लीव्स देखने हैं. लीव्स आपके पास कितने हैं? 8 लीव्स हैं. फिर गर्ल फेसेस 4 हैं और 6 ट्रीज हैं. जल्दी से फिल कर लें क्लास. हरी अप. व्हेन यू हैव कंप्लीट द पेज नंबर 11, Now take out page number 17, chapter number 2B, the mulberry bush. ठीक है, the mulberry bush आपने निकाला. The mulberry bush की exercise ये देखें class. क्या कह रहे हैं? At work and play. नीचे कुछ pictures दी हुई हैं. Look, talk about the pictures. हमें इन pictures के बारे में बात करना है. What are they doing? वो क्या कर रहे हैं? जैसे इमरान है, इमरान क्या कर रहे हैं? इमरान is reading. उसके हाथ में बुक है और वो क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है. कैट यानी पुसी. पुसी इज स्लीपिंग. पुसी क्या कर रही है? ब्रांच पे, ट्री की ब्रांच पे वो सो रही है. परवेज. परवेज इज रनिंग. मिस्टर शाह. मिस्टर शाह क्या कर रहे हैं? गोट को पुल कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं. मिसेस मलिक. मिसेस मलिक क्या कर रही है? लिख रही है, मीन्स राइटिंग कर रही है. बीना. बीना क्या कर रही है? आराम से एक पाथ पे वॉक कर रही है, वॉकिंग कर रही है. ठीक है. और सारा क्या कर रही है? सारा जंप कर रही है. अब हमें क्या करना है? हमने पिक्चर्स देख ली. पिक्चर्स देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर्स. हमें क्या करना है? हर पिक्चर के बारे में एक सेंटेंस लिखना है. और वो सेंटेंस किस तरह से लिखना है? एग्जाम्पल हमें दी हुई है एक ही, जैसे इमरान इज रीडिंग अ बुक. पहले पिक्चर हमारी किसकी थी? इमरान की थी. इमरान क्या कर रहे हैं हमारा? बिल्कुल, इमरान हमारे क्या कर रहे हैं? इमरान बुक पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? रीडिंग. क्या है हमारे पास? रीडिंग. इमरान इज रीडिंग अ बुक. सेकंड पिक्चर हमारे पास किसकी है? पुसी की है. ठीक है, तो पुसी क्या कर रही है हमारी? वो सो रही है. तो हमारे पास क्या सेंटेंस हो जाएगा? पुसी इज स्लीपिंग. पुसी इज स्लीपिंग. ओके, थर्ड पिक्चर हमारे पास है परवेज की. थर्ड पिक्चर किसकी है? परवेज की है. तो परवेज क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, परवेज रनिंग कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परवेज इज रनिंग.
Parvez is running. डी देखिए, एग्जैक्टली डी पिक्चर हमारे पास किसकी है? मिसेस मलिक की. ए पिक्चर हमने किसके लिए? मिसेस मलिक के लिए ली. तो मिसेस मलिक क्या कर रही है? मिसेस मलिक इज राइटिंग. वो क्या कर रही है? लिख रही है. तो हमने क्या किया? मिसेस मलिक इज राइटिंग. देन ई हमने ले लिया बीना को. बीना क्या कर रही है? बीना बिल्कुल पाथ पे वॉक कर रही है. तो हमने क्या किया? बीना इज वॉकिंग. बीना इज वॉकिंग. देन सारा, एग्जैक्टली सारा किस पोजीशन में नजर आ रही है हमें? जंप करने वाली पोजीशन में नजर आ रही है. हमने क्या लिखना है यहाँ पर? सारा इज जंपिंग. सारा इज जंपिंग. देन अब लास्ट में हमारे पास कौन से पिक्चर बचे? मिस्टर शाह की. मिस्टर शाह क्या कर रहे हैं? बोट को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ. तो मिस्टर शाह इज पुलिंग.